और कैसा था दौरा बिहार का? 5-6 किलो तो उतर गया तू। खूब निकाले रहेंगे तुम्हारे पिताजी ने दूध इसका। हा? अरे बहुत निकाले। आओ आओ करण अर्जुन आओ, तुम लोग का रास्ता देखते बैठा था मैं। आज तो बोलो क्या करने का, कैसा करने का? आप बोलो भाई, आप जैसा बोले वैसा करेंगे भाई। जाना संडास दो बास मार रहा। पेपर लाई क्या श्योरिटी के? जी हो भाई। ला इधर ला। 150 गज पे मकान। आओ भाई बरोबर चेक करो, नहीं तो फिर तुम लोग को चेक करता मैं। अरे फिकर मत करिए सर जी, हम भी 4th क्लास पढ़ा हूँ। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारे डायरेक्टर का? खुद्दूस ट्यूब वाला सर। लाने का था ना उसको, एडवांस दे डालते थे अपन। बड़ा डायरेक्टर है भाई उन्हें, अपने को जाना पड़ता ऑफिस पे। ओ हमसे भी बड़ा आदमी है क्या? पैसे तो हम लगा रहे। उससे मिलने के वास्ते अपॉइंटमेंट लेना पड़ता सर। क्या रे चौथी फिल ऐसा रहता क्या? बराबर बोल रहा है, फोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्या नंबर है? मिला 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 मिला। ये कार्ड है उनका। अगर ये फिल्म का डायरेक्टर मैं रहता ना तो ये शॉट ऐसा नहीं ऐसा लेता था। हेलो हेलो कौन? अरे फोन तुम करे जी, तुम बोलना किससे बात करना है तुम्हारे को। हाँ खुद्दूस ट्यूब वाला, मीटिंग करने की पिक्चर बनाने का हमको उनके साथ में। साहब जरा बिजी है, एक मिनट उनके असिस्टेंट से बात करो। अच्छा दो। हेलो सर, बोलिए सर। सर आई एम पीए टू डायरेक्टर खुद्दूस ट्यूब वाला। डायरेक्टर खुद्दूस ट्यूब वाले की हमको डेट चाहिए, हमको मीटिंग करने का फिल्म बनाने का। सर अगर आपको पिक्चर बनाना है तो उनके डेट्स के लिए उनके मैनेजर प्रसाद गारू से बात करना पड़ेगा। सर जस्ट 1 मिनट। ये उसको दे रहा उसको दे रहा। हेलो सर। अरे तुम्हारे डायरेक्टर के डेट्स हमको मांगते हैं पिक्चर बनाने का हमको। साहब बहुत बिजी है साहब, एक काम करो, अगर उनसे मिलना है ना कल सेट पे आ जाना शूटिंग पे, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप कर देते सर। क्या रे तुम्हारा डायरेक्टर तो बहुत बिजी आदमी लग रहा, करेंगा क्या अपनी पिक्चर? कल शूटिंग पे बुलाया, जाओ कल आओ। ओके सर। भाई मेरे पेपरा? रहन देना तेरे पेपरा, खाया जा रहा क्या मैं इसके पेपरा? जा रहे भाई जा रहे। चल 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 चल। क्या बोलते रे, बनेंगी क्या अपनी पिक्चर और बनूंगा क्या मैं विलन? शाबाश, मेरे को नहीं मालूम था तुम लोग इतने अच्छे एक्टर है सो। एक फिल्म बनाऊंगा मैं तुम लोगों को भी लेके, फिल वक्त तो कल एक नकली शूटिंग की तैयारी करो। क्या? वी आर रेडी सर। सर मेरे बारे में भी कुछ सोचिए ना। अरे तेरे को मेरी ऑफिस का एड्रेस कैसे मिल गया रे? कौन अपने दुश्मनों का हाल पूछे ना पूछे, लेकिन खुद उस सर की ऑफिस की खबर जरूर रखता है। चलो बता दो तुम खबर का एड्रेस। चलो बेटे आओ। अरे सर प्लीज सर। ये गाड़ी आ रही है। सर गाड़ी आ गई, एक्टिंग स्टार्ट कराओ। एक्शन। तुम कब सुधरोगे, कब आओगे मेरे पिताजी से मिलने? जाओ मीना जाओ, जाके अपने बाप से कह दो कि मेरा अंदाज बड़ा निराला है और मेरे गुरु ने कहा है कि मेरा वक्त जल्द बदलने वाला है। अरे ये सब पुराना हो गया, पुराने फिल्मों में चलता था, लोग क्या बोलेंगे? खुद्दूस ट्यूब वाला लास्ट फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट देके ऐसी बेकार फिल्म बना। अरे कुछ नया करो नया करो। नेक्स्ट शॉट सर। सर सर काम चलो लगता है। अरे गबरू, अरे गबरू आ रहे। सर सर कमिंग सर। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इधर में रुको, मैं जाके मीटिंग करके आता। चलो अंदर। क्या बोलता बाप, लगाता हूँ इन्हें पैसा, बनती होंगी अपनी फिल्म। एक बात तो सही है रे, उसको भी एक्टिंग का कीड़ा है, देखेंगे क्या होता। टेक टू। एक्शन। तुम कब सुधरोगे, कब आओगे मेरे पिताजी से मिलने? अरे जाओ मीना जाओ, जाके अपने बाप से कह दो कि मेरा अंदाज बड़ा। नहीं यार नको, एक काम करो लंच के बात करेंगे, तुम लोग जाओ रिहर्सल करो, जाओ मेरी फिल्म में ये सब नहीं चलने वाला है, जाओ रिहर्सल करो, जाओ जाओ जाओ। गबरू एक काम करो, वो बड़ी फिल्म लेंस मंगाओ, लंच लगा के। क्या डायरेक्टर साहब तो बहुत बिजी लग रहे, जाओ उनको बोलो प्रोड्यूसर आए मीटिंग करने की, बोलो जाओ। साहब बहुत बिजी है नहीं मिल सकता, काम करे ना सर। आपको इतना जल्दी है तो ऑफिस पे आकर कल मिलो ना सर। हाँ क्या रिका में बात कर रहा क्या? बोलो उनको आसिफ भाई आए हुए मीटिंग करने के, जल्दी जाओ बोलो जाओ। टायर बोलते सर प्रोड्यूसर आ गए। क्या इधर में बड़ा दिख रहा क्या आके बैठा? ओ मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। हेलो डायरेक्टर साहब, कब से हम आके धूप में बैठे दिख रहा नहीं तुमको? ये कौन है? हम कौन? अरे साहब ये प्रोड्यूसर है। अरे वो दो बच्चे नहीं थे अपने को चांस दिया बोल के सेट पे, कल टेलीफोन में बात नहीं हुई, आप ही बोले ना इधर बुलाओ बोल के। सर वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर फोन। नहीं बोला था ना। हेलो। अरे भाई मैं आपको पहले ही बोला ना, पहले ही बोला मैं आपको फिल्म कंप्लीट हुई तक मैं कोई राइट्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई भी स्टेट को नहीं दे रहा हूँ। मैं फिल्म कंप्लीट हुए बाद खुद आपको फोन करता हूँ मैं। ओके फोन रखिए आप। थैंक यू। एक काम करिए आप कल ऑफिस पे आके मिलिए। ओके साहब। ओके।
देखे सीखो उस्ताद से अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना लोगों के सामने, समझे? हमारे मैनेजर साहब फोन बॉम्बे से आया था या बेगम बाजार से आया था? कभी बॉम्बे से आते है रे? भाईजान बहुत लाइन दिख रही, ऐसा दिख रहा पूना से हड़पसर तक लाइन है। हेलो भाई, क्या डायरेक्टर साहब लंगर लगाए क्या अंदर? इतनी बड़ी लाइन किस लिए? अरे भाई हम सब प्रोड्यूसर आए सुबह से वेटिंग में ठहरे हुए, नंबर कब लगता बोल के। तो तुम्हारे बोलने का मतलब ये कि ये सब लोग पिक्चर बनाने को इधर आए? फिरने तो क्या राशन लेने आए, चलो तुम भी लाइन में लगाओ। देखो हम वो है जो कभी जिंदगी में लाइन में ठहरे नहीं, हमने सिर्फ लाइन तोड़ना सीखे, इनको मालूम नहीं। चलो सर ये आपका ठोकर नंबर है सर, आप लाइन में आ जाइए सर। खुद सर बहुत बिजी है, आई थिंक सर आपका नंबर 9 बजे तक आ जाएगा, मगर डायरेक्टर साहब अगर ब्रेक ले लिए तो फिर बोल नहीं सकते सर। अरे एक मिनट रुको सर, अरे अरे छोड़ो फ्रेम का वाले ना। चलो चाचा थोड़ा आओ इधर, बात करने की हमको। क्या तरीका है ये, बाहर लाइन दिख रही तुम्हारे को? जब मैं छोटा था और स्कूल में था ना, तो टीचर मेरे को बोलने की आसिफ लाइन में आओ, तो ताबड़तोब वोच टाइम पे मैंने उसको दीवार पिक्चर का डायलॉग मारा था। तुमको कुछ नया बोलू? तुम कौन से स्कूल के है? राघव रत्न हाई स्कूल। वही बोल रहा हूँ मैं। अरे तुम मेरे स्कूलमेट है जी, तुम 7th में थे और मैं 10th में था। अरे वो बीच की मांग निकालता था, देखो स्मार्ट बच्चा मैं छू वो। अरे आसिफ क्या यार नहीं पहचाने? बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे वास्ते? वो करने कराने का देखेंगे, पहले जितने बागड़ बिल्ले उधर लाइन में ठहरे ना, पहले उनको बाहर करो। अभी 2 सेकंड में भगा क्या तो पूरे को ठहरे, हटो हटो। व्हाट इज योर नेम बेबी? चलो भाई अपना अपना पेमेंट बाद में आके लिख दो। चलो चलिए चलिए। अरे इधर आओ, स्कूल आ नहीं रहे यहाँ पे? पहले बोलना नहीं उन्हें रोडी बोल के। यू एक्टिंग डायरेक्टर टेलिंग? हाँ आसिफ। हाँ बड़े बड़े बड़े। हाँ बोलिए आसिफ साहब, मैं आपकी कैसी फिल्म बनाऊं? पिक्चर कुछ भी बनाओ, लेकिन ये 2 छोकरों को हीरो बनाने का और मेरे को विलन। करण अर्जुन टाइप की कोई स्क्रिप्ट सोचना पड़ेगा। हाँ सोचो, जितना जल्दी हो सके सोचो, क्योंकि अपने को अर्जेंट में करने की पिक्चर। बड़ी बात से तोबा है, ऐसी फिल्म बनाऊंगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि हिंदुस्तान की तारीख में नहीं बनी होंगी ऐसी फिल्म। क्या एक्शन होगा इसका, लाजवाब, रोमांस, पैशन, इमोशन, ये वो, फैंटास्टिक, फैबुलस। प्रोड्यूस्ड बाय आसिफ बेग एंड डायरेक्टेड बाय कुद्दूस ट्यूबवाला। और फिल्म का नाम? हाँ इंटरवल के बाद बोलते हूँ। The drop of a beat, you might have listened to a thought was fact. At the jumping in the minute, all the alley wanna bump, and everybody who just made the people snuck up in the trunk for the people. ये जो मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे तो तुम लोगों की किस्मत है जो ये स्क्रिप्ट तुम लोगों को मिल रही है। अगर मैं ये स्क्रिप्ट बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर को सुनाता, खान कपूर, तो 2 मिनट में राजी हो जाते थे वो लगाई फिल्म करने, समझे? सर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, उन लोग भी अपनी पहली फिल्म में नएज थे ना सर। पॉइंट है सर, पॉइंट है। तुम दोनों यहाँ पे एक्टिंग करने आए, पॉइंट पकड़ने आए मेरे? हाँ ये बात तुम लोगों को मैं सीन नंबर 23 में बोल दिया था कि बड़े हीरो के बेटे हीरो नहीं बनेंगे तो क्या सर्कस के जोकर बनेंगे रे? हाँ उद्दूस साहब ये मत भूलो, उन लोग के बाप लोग भी पहले आर्टनरियत में थे ना, प्रोड्यूसर हमें पिक्चर का। बड़ी बात कर रहा नहीं मैं, ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होने के बाद तुम्हारी और ये 2 छोकरों की लाइफ बनने वाली है, ये लिख के ले लो। तो सब हम देख लेता। डायरेक्टर तुम लोग आप डिस्टर्ब नको करो, घड़ी घड़ी कहानी सुनो। गबरो शिवा सर, प्रसाद सर, आनंद जी, ये इस फिल्म का फर्स्ट हीरो। थैंक यू सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर, मैं 5 साल से आपका असिस्टेंट हूँ सर, और मैं जिंदगी में हमेशा सोचता था सर कि सिर्फ आप हीरो बनेंगे तो मेरे कुछ बनेंगे। सर आपने कुछ 6 महीने का टाइम दीजिए सर। सर मैं एक्सरसाइज करके अपने जिस्म की पूरी चर्बी गला के कच्चे तरकारियों में रखे सर, मैं 6 पैक बना के सलमान खान के जैसा आपके सामने रेडी खड़ूंगा सर। वैसे सर मेरा स्क्रीन नेम सर कपूर रुपया खान सर। बैल रहना मगर बैल के बी नहीं रहना, मैं उन लोगों को समझाने तेरे को डम्मी हीरो बना रहा हूँ, समझा? तू मेरा असिस्टेंट था, है और रहेगा। अब स्टोरी सुनो, तुम दोनों बचपन से कमीने रहते, एक ही थाली में खाते, एक ही हमाम में नहाते, एक ही कॉलेज को जाते, और प्यार भी
एक ही लड़की से करते और तुम लोगों का विलन वो भी एक ही से रहता, दी हार्डकोर विलन राका। अरे मामा ये तो अपनी ओरिजिनल स्टोरी दिख रही। हाँ वो सुन रहे। चलती मशीन में हाथ डालेंगा तो हाथ से हाथ धोना पड़ेगा, समझा? रोल कट। अरे छोकरे क्या बोल रहे उधर, डायरेक्टर साहब सुनो ना, खामोश सर, आप बोलिए बोलिए। शबाश, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। थैंक यू, थैंक। समझे? सीखो इनसे, सीखो। तो सुनो, बचपने में तुम लोगों के गांव में बाढ़ आ जाती और तुम दोनों बाढ़ में बहते हुए एक गांव को आ जाते और वहां तुम लोगों की मुलाकात हीरोइन रेशमा से होती। तुम दोनों को रेशमा से प्यार हो जाता और विलन राका को भी रेशमा से प्यार हो जाता। उसके बाद हीरोइन रेशमा को भी तुम दोनों से प्यार हो जाता। अरे दोनों कैसा प्यार करेंगे यार, वो फिल्म में राका की बहन का रेप भी हो जाता। हाँ, और उसके बाद राका कोमा में भी जा सकता। ओ, मगर मैं स्टोरी चेंज कर दिया। हाँ, फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि किस तरह दो हीरो चंगू और मंगू अपने प्यार को पाने के लिए राका से कैसा बदला लेते हैं। फंटास्टिक। एक बात बोलो मेरे को, इसकी हीरोइन कौन रहेंगी और शूटिंग कब से रहेंगी? वैसे तो मेरी हर फिल्म में हीरोइन एक ही रहती, डेजी। लेकिन इस फिल्म के वास्ते मैं 5 हीरोइन को बुलाया ऑडिशन के वास्ते। कल ऑडिशन है, जैसे हीरोइन सेलेक्ट अपनी शूटिंग स्टार्ट। लेकिन पिक्चर का नाम क्या सोचे तुम? फिल्म का टाइटल है ओले बने शोले, वॉल्स ऑफ फायर। मैं बोल रहा हूँ ये फिल्म के बाद अपनी भी स्टोरी आगे बढ़ा लेंगे। सर को बोलूँ तुम बहुत ही फ्री हो जा रहे हैं। सर से थोड़ी निकाह पड़ाना है। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम भी सेहतमंद है, मैं भी सेहतमंद हूँ, औलाद भी सेहतमंद निकलेंगी। आ हा हा हा, तुम सेहतमंद मोटू हो मोटू। नमस्कार, सब ठीक है? ऑडिशन के लिए जो लड़कियां हैं उनको एक एक करके अंदर भेजना सर। खाली जल्दी जल्दी भेजो, टाइम नहीं है मेरे पास। और सुनो, इसके बाद सबको एडवांस देना है और हर एडवांस में से 50% निकालना नहीं भूलना। और ये बात प्रोड्यूसर को नहीं मालूम होना। क्या बोल रहा हूँ? समझा दिया सर, पहले ही समझा दिया। क्या साहब, फर्स्ट टाइम थोड़ा ही चाहिए हमारा। स्मार्ट बॉय। थैंक यू। चलो साहब, आदा सर। मुचड़ नहीं आया वो? उसको टाइम नहीं बोला ना सर। इससे पहले उन्हें आ जाए, जल्दी ऑडिशन खत्म करो। क्या बोल रहा हूँ? क्या डायरेक्टर साहब, बगैर प्रोड्यूसर के पिक्चर बना लेते क्या तुम? हाँ, अरे भाई अभी पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, हीरोइन का ऑडिशन ले रहा हूँ। वही बोल रहा मैं, कोई भी काम रहने दो, हमको इत्तला कर दो, हमको भी इन्वॉल्व करो हर काम में। बोला कौन कौन देखेंगे? तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैडम पहले तो वो खून नहीं खून है, और वो जिंदा नहीं जिंदा है, और हम आपसे बहुत शर्मिंदा है। नेक्स्ट। पायल एंड आई एम 23 इयर्स ओल्ड और मैंने मॉडलिंग किया है। मैंने 2 हिंदी सीरियल्स भी किया है, एक था सास बनी टाइम और बहू बनी चुड़ैल। ठीक है ठीक है, डायलॉग बोलिए। हाँ, तुमने अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कुछ कर सकती। वाह क्या बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सेलेक्ट हीरोइन और कोई होने वाली नहीं हीरोइन। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो भाई साहब, यहाँ डायरेक्टर बैठा हुआ है, उसको अपना काम करने दो, आप कहीं को बीच में टांगा डाल रहे? अरे बाहर बहुत बच्चियां बैठे हुए, भाई दूसरों को भी देखेंगे। वो बाहर जितने भी बैठे ना छोकरियां, उनको घरों को भेज दो अपने अपने, हमारी भी कुछ नजर है, इल्म है, हमको भी कुछ नॉलेज है। ये हो गई छोकरी सेलेक्ट, हमने बोल दिए खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन गए हीरोइन, इसको लेना इसको। चलाओ मैं आपको एडवांस दिलाता, आओ आओ मेरे साथ। आनंद जी ऐसा दिख रहा, अपन लोग मुसल में सर दे दिए। ये तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लाइट वाला लिखो जरा जल्दी दो। आप बैकअप मैन 5,000 दे इसको। ए कैमरामैन, ए शिवा तू टाइम पे नहीं आता क्या? 10,000 लिखो जी। हाँ दे दीजिए सर। मेटल गुना सर, लो सर। यो ना रख देख जाते इधर, चलो खाने वाले के 20,000 पर डे लिखो जी। खाने के 20,000 रुपए, खाना भी हमें देना इन लोग को, घरों से टिफिन ला लो बोले इन लोग को पूरों को। अरे ये बात तो हमने सोचा ही नहीं, हम क्यों दे बे, काम भी दे और खाना भी। क्या वाह, किसको कितने बांट रहे,
चले जान, खाना भी पूरों को पनी देना। सर प्रोडक्शन आपका है तो फूड भी आपको ही देना पड़ेगा। खाने को दे दो और मैडम को चेक दो। क्या नाम लिखू? पायल सरकार। ला भाई ला, पायल सरकार। सर जी एक साइनवा तो मारी। अरे लाइए तो सही। अरे लीजिए तो सही। हमारे मैनेजर साहब। हाँ सर। कहा एक जरा 5 लाख का चेक तो लिखो। हाँ 5 लाख किस खुशी में? डायरेक्टर फीस। अगर तुमको 5 लाख देंगे तो दूसरों क्या देंगे फिर? नक्को दियो। एक काम करो, पिक्चर रिलीज हुआ से जब करोड़ों रुपए कमाएंगे ना उसमें से 50% मैं ले लेता हूं। हां ठीक है, एग्रीमेंट बनाओ जी। चेक इधर लाओ, इधर लाओ चेक। क्या है क्या नाम? उद्दोष ट्यूब वाला। ये लीजिए सर। कम ऑन। इनको कहां ले जा रहे? फिल्म के सीना समझाने ले जा रहा हूं। चलो फैसल बाबू। ఏంటి సార్? ఏ కమిషన్ బాబు? సార్ ఇంటికి రక్ తక్కువ వస్తున్నా, నేనే అడుగుదాం అనుకున్నా సార్. ఏ ఇదే నీ బతుకుల మన్ను వాడా సార్? మెహనత్ తో మేరా హైనా సార్, 5%. అచ్చా టైటిల్ దియా, మెహనత్ మేరీ ఔలాద్ తేరీ. ఏ లే రక్, బాకీ కే ఫిల్మ్ రిలీజ్ కే బాద్